हेलो क्लास नाइन्थ, आज हम लोग एक और बेहतरीन चीज़ देखेंगे। बड़ा अजब है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। खास तौर पर हम देखेंगे कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन के नाम से मशहूर है, इक्वेशन ऑफ मोशन में तीन फॉर्मूले जो हैं, तीन इक्वेशंस जो है वो बहुत इम्पोर्टेंस रखता है और वो बाद में ग्रेविटेशन में भी काम देता है। तो आज हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि इक्वेशन ऑफ इनफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन यहाँ पर दिया हुआ है। देयर आर थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन, टोटल इक्वेशन कितना है, थ्री है। तो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग और से देखेंगे। पहला इक्वेशन है, पहले डेरिवेशन नहीं, पहले फॉर्मूले को एक बार देख लो, इक्वेशन को देख लो, इसके बाद एक एक करके डिराइव करते चले जाएंगे। पहले क्या है, v इक्वल टू क्या है, u प्लस at। ये क्या है, s इज इक्वल टू ut प्लस ऑफ at स्क्वायर। और तीसरा क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तीन इक्वेशन है। v यहां पर क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि v इज किसको इंडिकेट कर रहा है, फाइनल वेलोसिटी को। u किसको इंडिकेट कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी को। a क्या कर रहा है, एक्सेलरेशन को। t क्या कर रहा है, टाइम को। दूसरे इक्वेशन में देखो, s जो है ना, हम लोग दूरी के मेजरमेंट के लिए अगर फार्मूला अप्लाई करते हैं तो यहां पर हमने डिस्टेंस लिख दिया। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। t क्या है, टाइम है। और a क्या है, एक्सेलरेशन। तीसरे इक्वेशन में हम लोग गौर से देखेंगे यहां पर कि जो यहां पर लिखा है हमने कि v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो v इक्वल टू हमने क्या लिखा, फाइनल वेलोसिटी। u क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी। यहां देख रहे हैं a क्या है, एक्सेलरेशन। और s क्या है, तो डिस्टेंस। तो ये हम लोगों ने देखा कि ये जो टोटल चीज है इसमें ये हमने लिख दिया है इंडिकेशन, जो जो जिस चीज को इंडिकेट कर रहा है तो उस कंडीशन में हमने लिख दिया है। अब यहां पर बात आती है, कुछ खास बात है। जैसे देखो, ये फॉर्मूले के आधार पर ही हम लोग ग्रेविटेशन में भी अगर एंटर करेंगे और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से नीचे के तरफ गिर रही है तो उस कंडीशन में जो फॉर्मूला इस्तेमाल होगा वो हो जाएगा v इक्वल टू यू प्लस जी टी। और यहाँ पर देखो, अगर हाइट का मेजरमेंट करना होगा क्योंकि ऊपर से कोई भी चीज नीचे गिर रहा है तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, हाइट के लिए अगर लगाते हैं तो यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तीसरा क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। वेयर g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जिसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये कंडीशंस जो आता है ये बेहद इंपॉर्टेंट है। फिर देखोगे यहाँ पर कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है अगेंस्ट दी ग्रेविटी जा रहा है, मतलब कि गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध में जा रहा है, तो उस केसेस में क्या होगा कि v इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, u माइनस जी। यहाँ पर g क्या हो जाएगा, निगेटिव, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में यह वैल्यू क्या हो जाएगा, u प्लस के जगह पर क्या होगा, u माइनस जी टी। h अगर y निकालेंगे तो यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और अगर v स्क्वायर निकालेंगे तो क्या करेंगे, इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। तो ये कंडीशन है, ये तीन तीन करके जो हमने फॉर्मूला बताया है, ये देख लेना, 7, 8 और 9 नंबर का जो फॉर्मूला है वो अगेंस्ट दी ग्रेविटी में काम करेगा। और ये जो है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट गुरुत्वाकर्षण के सापेक्ष गिर रहा है, मतलब गुरुत्वाकर्षण के द्वारा गिर रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग ये अप्लाई करेंगे। कभी कभी कुछ स्पेशल केसेस भी आते हैं, जैसे देखोगे कि किसी ऑब्जेक्ट को हमने पहले ऊपर की तरफ फेंका तो ऊपर की तरफ जाने में वहां अगेंस्ट दी ग्रेविटी काम कर रहा है, तो वो केसेस में ये काम करेगा। और कभी कभी क्या होता है कि ऊपर से कोई चीज नीचे गिर रहा है तो उस केसेस में हम लोग ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। और कभी कभी ऐसा भी केसेस आएगा जो ज़्यादा हायर डिग्री स्केल में वो काम करता है, कि कोई मान लो छत पर हो या किसी ऐसे माउंटेन पर खड़ा है, वहाँ से वो ऊपर की तरफ फेंकता है और फिर वो नीचे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के वजह से गिरता है। तो ये अलग अलग कंडीशंस में हम लोग फॉर्मूले को देखेंगे, लेकिन सारा जो फॉर्मूला आएगा उसका जो मेन है, मुख्यतः उसको हम लोग देखते हैं, तो उसमें v इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, u प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as।
यहाँ पर फाइन। अब इसमें जो केसेस आता है ना उसमें यू और वी में अलग अलग कंडीशन लेते हैं, क्योंकि जैसे देखो नीचे से कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक ऊपर नहीं जा सकता है जब तक कि उसका इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होना ही चाहिए। अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा तो नीचे से ऑब्जेक्ट ऊपर नहीं जाएगा। तो यहाँ पर जो 7, 8 और 9 का जो कंडीशन है उसमें कंडीशन वैरी करता है कि वहाँ पर आपको यू मस्ट वहाँ पर होना ही चाहिए। अगर आपका इनिशियल वेलोसिटी नहीं होगा तो फिर तो आप कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा ही नहीं। कहीं कहीं देखोगे जैसे ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट अगर नीचे की तरफ गिर रहा है तो वहां पर इनिशियल वेलोसिटी की जरूरत नहीं पड़ रही, जब तक आप थ्रो नहीं कर रहे सीधा गिरा दे रहे तो वहां पर इनिशियल वेलोसिटी ऑलरेडी जीरो होता है। तो केसेस अलग अलग होते हैं और बहुत डेप्थ में जानने की जरूरत है। मेरा हर वर्ड अगर तुम लोग के दिमाग में अगर इंटर करेगा तो फिजिक्स फिर इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत इसमें केसेस होते हैं और अलग अलग केसेस में अलग अलग बातों को समझना होता है। एक साथ सारी बातों को समझने में थोड़ी परेशानी आएगी, इसलिए तुम लोग धीरे धीरे करके इस चीज को समझने की कोशिश करोगे तो सारा चीज बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा। ओके ठीक है, आज भर इतना ही, क्योंकि सेंड करने में फिर दिक्कत होगा अगर लंबा वीडियो बनाएंगे तो। 45 मिनट का क्लास तो और मज़ेदार होता, लेकिन अभी क्या किया जाए। ठीक है, ओके।